थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड गाइडेंस। अभी इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए जब हम सब लोग अंदर आ गए तो चेयरमैन साहब भी आ गए, उनके पीछे पीछे मैडम निशी और हमारे जोशी साहब, हम सब लोग साथ में चलते आ रहे थे। तो एसपी परिवार के एक सदस्य ने मुझे एक ऑब्जर्वेशन बताया कि भाई ये आपके जो डायरेक्टर साहब है ये भी आपके वॉलंटियर है क्या? आप सब लोग जो भी वॉलंटियर है वो अपने शर्ट पे एक्सेलरेट टू एक्सेल लिख के चल रहे हैं, उनके भी शर्ट पे एक्सेलरेट टू एक्सेल लिखा हुआ है, ये आपके वॉलंटियर है क्या? तो इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई हो नहीं सकता कि हमारे डायरेक्टर को भी ये फंक्शन का वॉलंटियर समझाया जा रहा है। तो इतनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट, हमारे जो विचारधारा है, हमारा जो वे ऑफ लाइफ है उसके साथ हमारी मैनेजमेंट की है, स्पेशली हमारे पूज्य जोशी साहब की है, जो हमेशा इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे संगठन के साथ और समाज ये कंपनी के मैनेजमेंट में काफ़ी विजिबल है। इक्वालिटी की बात हमेशा करते हैं और सबको जो प्रॉपर रिस्पेक्ट होना चाहिए, जो प्रॉपर उसका शेयर है उसको मिलना चाहिए, इसके लिए अपनी एचआर की पॉलिसीज का जो भी है इनको देने में इनकी कहीं भी इनकी कतराई नहीं होती है। तो इसके लिए स्पेशल थैंक टू हमारे डायरेक्टर साहब, जो कि आज एक्सेलरेट टू एक्सेल हमारा जो वे ऑफ लाइफ है इसको लेकर के आज चल रहे, हमेशा चलते हुए से लेकिन आज विजिबल हमारे एसपी परिवार में हुआ है। प्रोग्राम जो हम लोगों ने एक्सेलरेट टू एक्सेल तारीफ की हमारे चेयरमैन साहब ने, हमारा यही उद्देश्य रहा है कि जब वे ऑफ लाइफ हम लोग डिसाइड करते हैं सो इसका सबसे बड़ा जो हमको जो विजिबल इफेक्ट हमारी कंपनी में लाना है वो ये है कि हमारी कंपनी में ऐसे कुछ अगर एम्प्लॉयज है, भले वो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के हो या अदर्स के हो, कोई भी हो, अगर वो अंडर परफॉर्मिंग है, लो परफॉर्मिंग है, तो ऐसे ह्यूमन असेट्स को हमारी कंपनी में हमको सुपर परफॉर्मिंग असेट्स में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम सबको योगदान देना है, यही हमारा एक्सेलरेट टू एक्सेल जो थीम है इसमें ये हमको कन्वर्ट करना है। सो इसी चंद बातों के साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे चेयरमैन साहब अपने बिजी शेड्यूल से और हमारे ऊपर जो प्यार उनका है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हर साल आते हैं, इस साल भी आ गए हैं। हमारे चेयरमैन साहब आने वाले फरवरी में रिटायर होंगे, काफ़ी लंबा समय है लेकिन एचपी परिवार के साथ मिलने का शायद सर का ये सारी टूसे पर आखिरी मौका होगा ये फंक्शन में। तो नेक्स्ट फंक्शन में सर की जगह पर और कोई चेयरमैन साहब हमारे रहेंगे, तो ये फंक्शन को यादगार बनाने के लिए सर आप आए और हमारा सम्मान पत्र का स्वीकार किया, उसके लिए आपके हम शुक्रगुजार हैं। हमारी आदरणीय मैडम निशी वासुदेवा अपने बिजी शेड्यूल में रहती है, हमेशा उनके रूम में जाओ तो ये फोन वो फोन, विजिटर हजारों आते रहते, फिर भी कुछ चंद समय निकाल के 2-3 मिनट निकाल के हमसे बातें करती है, काफ़ी इंस्पिरेशनल हमको मोटिवेट करते रहती है कि भाई ये करो वो करो। ऐसी हमारी डायरेक्टर मार्केटिंग मैडम वासुदेवा इस फंक्शन में आई और हमारे डैश पे आप विराजमान हुई मैडम, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। साथियों मैं बोलना चाहूँगा कि मैं ONGC के भी एक फंक्शन में हाल ही में गया था, जो उनका जो डायस था वहाँ पे खाली एक ही लेडी थी और वो लेडी भी बाहर की बुलाई हुई स्पीकर थी। सो वो लेडी स्पीकर ने ये कोट किया कि भाई आपके पैनल में कोई भी लेडी मेंबर नहीं होता है, ये कैसा है? हम भारत के 60-70 साल के आज़ादी के दिन में हैं लेकिन आपके पैनल में कोई लेडी मेंबर नहीं। इसके लिए उन्होंने एक अपेक्षा व्यक्त की कि भाई जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो आपके पैनल में एटलीस्ट एक दो लेडीज तो होनी चाहिए। मैंने अपने दिल में कहा, भाषण करने का मौका मिला नहीं, मैंने उनको बोला कि मैडम अपने दिल में बोला कि हमारे फंक्शन में आके देखिए, हमारे पैनल में आपको एक दो लेडीज तो जरूर मिलेगी, मैडम वासुदेवा भी मिलेगी, मैडम रोजिन भी मिलेगी। सो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे पैनल में, बाबा साहब कहते हैं कि किसी भी समाज की प्रगति मैं उस एंगल से देखता हूं कि वो उस समाज की महिलाएं कितनी ऊंचाई तक पहुंची हुई है। हमारे हिंदुस्तान पेट्रोलियम समाज की महिलाएं उच्चतम स्थिति पर पहुंची हुई है, मैडम निशी वासुदेवा यहाँ पे उपस्थित है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे आदरणीय पुष्प जोशी साहब डायरेक्टर HR, जो कि हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारी मैडम रोजलीना, जो कि CLO हमारी है, हर एक जो कदम कदम पे चलने की जो राह है वो उसको उनके हाथों को पकड़ के हम लोग चलते रहते हैं। ये जो ब्यूटीफुल नज़ारा आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो बैनर बैकड्रॉप हमने डिज़ाइन किया इसमें भी इनका काफ़ी योगदान है। हमारी जो
भावना जो विचार है उसको जो हमने एक प्रदर्शित करने की कोशिश की है इसमें इनका काफ़ी योगदान है। प्रोग्राम को सफल बनाने में और व्यवस्थित इसको अरेंज करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। पूरे साल में योगदान देती ही रहती है ये हमेशा कुछ भी बोलो हाँ ही बोलती है, कुछ ना कुछ करते रहती है, अपनी आइडिया डाल के रहती है किस तरीके से बेटरमेंट या हमारी फंक्शन में हमारी कार्यपद्धति उनकी बातें मैं अपने भाषण में बोलते रहता हूँ। ऐसे हमारे मेहता रजनीश मेहता सर, GM HR, NS माने सर जो हमारे गुरु स्थान पे है उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जनरल मैनेजर बी रविंद्रन सर यहाँ पे है जिनका काफ़ी सपोर्ट हमारी एक्टिविटीज में हमेशा रहा है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। HR हेड मार्केटिंग आर इलांगो सर यहाँ पे है जिनका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलते रहता है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। चीफ मैनेजर मार्केटिंग HR श्री KS शेट्टी सर, इनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कुछ ना कुछ बातें हमें बोलते रहती है भाई ये करो वो करो, कंपनी की भलाई किसमें, संगठन किस तरीके से अच्छा चलते रहता है, ये सब जो बातें हैं हमें बोलते रहते हैं। हाँ, राकेश कुमार सर भी यहाँ पे है ED, उनका भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ अपना समय निकाल के फंक्शन में आए, और सभी वरिष्ठ अधिकारीगण जो फंक्शन में आए, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम परिवार के सभी सदस्य भाइयों बहनों बच्चों जिन्होंने ये प्रोग्राम की खूबसूरती बढ़ाने में अपना योगदान दिया है उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी ये फंक्शन की जो थीम थी अवर वे ऑफ लाइफ एक्सेल टू एक्सेल जो बैकड्रॉप बनाने में हमें काफ़ी हेल्प जिन्होंने किया, ऐसे हमारे आर्टिस्ट श्री कुमार इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो ड्रामा हम यहाँ पे अभी देखेंगे ये फंक्शन के बाद में केशवा माधवा उनकी सभी टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। षणमुखानंद हॉल मुंबई का सबसे बड़ा हॉल हर साल हमें मिलता है, देते हैं हमारे लिए रिजर्व रखते हैं, ऐसी मैं ये हॉल की मैनेजमेंट इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और साथियों ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अभी बहुत ही शॉर्ट पीरियड में ये जो मराठी ड्रामा का फंक्शन होगा वो शुरू होगा, और कल एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि कल हमारे मुंबई रिफाइनरी की तरफ से भी बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जी की जयंती हम लोग कालिदास हॉल मुलुंड में मना रहे हैं, सवेरे 10 बजे से फंक्शन है, वहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री SC मेहता साहब हमको संबोधित करेंगे, वहाँ पे भी जो मराठी ड्रामा है एका लग्नानंतर जो घोष्ट ये प्रोग्राम वहाँ पे है, सो उस फंक्शन में भी आप सभी को हम सादर निमंत्रित करते हैं। और ये फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया ऐसा मैं अनाउंस करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय भीम।